लेकिन ये शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को अंधेरे में ले चल रहे। युवा बोल रहे हैं कि हमारा भविष्य यानी ये हमारे लाइफ को स्पाइल किया गया है देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। देश के प्रधानमंत्री साइंटिस्ट को भी बदनाम करने की कोशिश करें, देश के प्रधानमंत्री साइंटिस्ट को यानी चीफ ऑफ द इसरो को इंसल्ट किया गया, चीफ ऑफ द इसरो की इंसल्ट किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश को बहुत बुरा नाम आएगा। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी जो देश को अंधेरे में ले चल रहे। नमस्कार, सिर्फ पैसा लेकर भरने का काम करेगी। अभी सरकार चेंज होने के बाद होती भागते फिरते जो नींद में जो एग्जाम में स्कैम में जो धांधली हुई है उसी को लेकर ये पूरे देश के युवा सरकार पूरी तरह से आक्रोश एक है। ऐसे में एक दादाजी है, इनके परिवार का कोई बेटा होगा जो नीट एग्जाम दिया होगा, ये देख सकते हैं हाथ में भी मसाल है, हाथ में मसाल लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, तमाम के तमाम पेपरों को लीक कर दिया गया है, ये शिक्षा माफिया बनकर पेपरों को लीक करा रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के अंदर। देखो, सुप्रीम कोर्ट से चाहे चक्रधरपुर से कोई आदेश नहीं आया, लेकिन ये शर्म की बात है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट को ग्रेस मार्क देकर उसको पास करना है, उसको नीट में एडमिशन देना है, ये ऑलरेडी आज जो है स्कैम किया गया है। जो कि रिजल्ट आया है 4 तारीख को, आपको रिजल्ट अनाउंस करने का था 14 जून को। सो 14 जून को रिजल्ट आउट करें आप, बिफोर ओनली आप रिजल्ट आउट करें 4 तारीख को, 14 को रिजल्ट आउट करना था। और ये क्या स्कैम है कि आपका जो है एक ही इंस्टीट्यूट में नियरली 67 स्टूडेंट्स हैज बिकम द नंबर वन रैंक। सो दिस इज द वेरी रॉन्ग वे टू द भारतीय जनता पार्टी। इस देश को बहुत बुरा नाम आएगा इस तरह से देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी जो ग्रेस मार्क जो काम कर रहे हैं, इस ब्रिलियंट स्टूडेंट को जो है ग्रेस मार्क देके मैं डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाऊंगा, ये देश के प्रधानमंत्री को और हेल्थ मिनिस्टर को इट इज वेरी शेमफुल। अगर एक एग्जाम्पल बताऊं मैं, चंद्रयान वन आप देखे होंगे और चंद्रयान वन देखे होंगे और आप चंद्रयान टू भी देखे होंगे, तो देश के प्रधानमंत्री साइंटिस्ट को भी बदनाम करने की कोशिश करें, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो कि 1000 रुपया का मिशन तैयार किया गया उसमें ऑर्बिटर 5 साल की गारंटी दिया ऊपर जाने के बाद, कक्षा में जाने के बाद, सो 1 साल की गारंटी ऑर्बिटर में जाने से पहले 1 साल की गारंटी तक देखो 720 में 718 मार्क्स स्टूडेंट को आना वो अलग बात है, ये तो मोदी साहब का स्कैम है, वो भी नॉट ओनली वन स्टूडेंट, आप 67 स्टूडेंट को इस तरह का रिजल्ट आप दिए हैं, तो ये भी शर्म की बात है। और दूसरी बात, ग्रेस मार्क देना ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को, एक एग्जांपल देता हूँ, चंद्रयान टू देखे होंगे आप, चंद्रयान थ्री लैंडिंग देखे होंगे साउथ पोल में, चंद्रयान टू में देश के प्रधानमंत्री इस ब्रिलियंट साइंटिस्ट को यानी चीफ ऑफ द इसरो को इंसल्ट किया गया, चीफ ऑफ द इसरो की इंसल्ट किया गया। चंद्रयान थ्री में देखिए, चंद्रयान थ्री में अपन सॉफ्ट लैंडिंग हुई, जो ये हाथ में मिसाइल लिए हुए इसको क्या दर्शाते हैं। देखो, इस अंधेरा देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इस देश को अंधेरे में ले चल रहे, इट्स वेरी शेमफुल। अवर नीट स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, मैं अभी एग्जाम्पल दिया चंद्रयान टू का और चंद्रयान थ्री का, इट इज जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट द मिस्टेक चंद्रयान टू फेलियर हुआ, दीज आर ऑल द थिंग्स, इट्स वेरी शेमफुल टू द देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी। और ये बात हमेशा याद दिलाता हूँ, सोचे
लैंड टू की चीज क्या है, चतरा थ्री कैसा लैंड हुआ। सो जब लैंड हुआ देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे, जब चतरा टू लैंड हुआ सो ऑर्बिटर लीक हो जा रहा है। आप चंद्रयान नहीं एग्जाम्पल, यानी कि जो स्टूडेंट जो आज के स्टूडेंट है तो कल के अब साइंटिस्ट भी देखो, साइंटिस्ट का कैसा आंसर दिया गया, वैसा ही हमारे कल के डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को भी नीट में इस तरह का आंसर दिया जा रहा है ग्रेस मार्क के नाम। सो 14 को रिजल्ट आने का 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 67 रैंक आएगी। उससे स्टूडेंट को फायदा है कि हाँ देखिए स्टूडेंट इज द ब्रिलियंट सो ही इज गेटिंग ए नंबर वन रैंक, लेकिन आप इस स्कैम कर उसको ग्रेस पार्क में, यानी कि आप ऐसा छाच रहे इस हिंदुस्तान के विद्यार्थी को कि थर्ड क्लास के कैपेबिलिटी थर्ड क्लास का स्टूडेंट बना रहे हैं। ये कोविड-19 की साजिश की बात नहीं है, जो कि 12वीं पास करे 11वीं 12वीं 13वीं डिग्री इवन सभी प्रोफेशन को आप फ्री में पास किए, या ऐसा नहीं होता। डॉक्टर को अलर्ट होनी चाहिए, डॉक्टर अंदर का इंटरनल थिंग्स ऑफ द बॉडी व्हाट इट इज, सो ये सब जानने के लिए यू टू कंप्लीट ऑल द कोर्सेस। देश की जनता, ये मेरे बच्चे हैं, तो देश की जनता जो नीट जो एग्जाम लिखे हैं डॉक्टर्स, दे आर बिकमिंग द डॉक्टर, ये भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरे भाई हैं। सो इनकी इंसल्ट कैसे की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा बच्चों का इंसल्ट कर रहे हैं, एक ग्रेस मार्क क्या चीज है? अरे ये प्रोफेशनल अलग चीज है, ये डॉक्टर मेडिकल एग्जाम है। सो those are brilliant then only they will become the doctor। अगर आप ऐसे ही विद्यार्थी को डॉक्टर बनाएंगे तो एनाटॉमी उसको कैसे पता लगेगा? आप कहना चाहते हैं कि जो ब्रिलियंट डॉक्टर होंगे ग्रेस मार्क देकर आकर ऐसे भी नंबर देकर आप उनको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सुना कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जो है ही डोंट हैव ए शेम, तू ऐसे अपन डॉक्टर को क्यों अपन ऐसा पीक स्टेज पे ला रहे हैं, ग्रे उनकी तो स्कैम करके उनके भविष्य को क्यों अपन स्पॉइल कर रहे हैं, भविष्य को स्पॉइल करके उनको फर्स्ट रैंक आने का उसको बिल्कुल लो रैंक कैडर में डाल के उसको ग्रेस मार्क देके उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, लेकिन ये बहुत गलत है। स्टूडेंट का नंबर वन रैंक वाला ग्रेस मार्क को इज नॉट गोइंग टू एग्री बिकॉज ऑफ इट्स अ मेडिकल कोर्स, इट्स अ मेडिसिन मेडिकल कोर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दोज आर ब्रिलियंट देन ओनली दे विल बिकम द डॉक्टर। तो देखिए ये दादाजी थे जो कह रहे हैं कि जो देश के भविष्य होते हैं डॉक्टर्स होते हैं उनको ग्रेस मार्क देकर आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, वो कल के भगवान होते हैं, कल इलाज के दौरान अगर वो ग्रेस मार्क भी काम आएगा, वो उनका ब्रिलियंट जो उनकी बुद्धि होगी वही काम आएगा, यही कहना चाहते हैं। यही उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि डॉक्टर बनने की बुद्धि है, नंबर वन रैंक मारने की बुद्धि है, लेकिन आइए कुछ युवाओं से बात करें जो युवा है करते हुए भविष्य है जो खराब हो चुका है। युवा देखिए आप युवा बोल रहे हैं कि हमारा भविष्य यानी ये हमारे लाइफ को स्पाइल किया गया है देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी, अब सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी पे नहीं बोल सकते सर, जो एनडीए था 2013 में आया, सुनिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, ये जो स्कैम है भारतीय जनता पार्टी का स्कैम है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो नीट के होते हैं जो वेन इज गोइंग टू रिजल्ट, सो एट दैट टाइम ओनली दे आर ऑल एग्री बिफोर ओनली जब उनका रिजल्ट एग्जाम होगा। 2013 में किसकी सरकार जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तभी ये धांधली देखने को मिल रही है। 10 साल के अंदर जो धांधली देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के रूल में, ऐसी धांधली ऐसा पेपर लीक होना, और जितना मेहनत करके स्टूडेंट पढ़ता है जब पेपर उसका लीक होता है तब उसको कितना नुकसान होता है, उसकी लाइफ को कितना बड़ा। सो ये
स्टूडेंट दोज आर ब्रिलियंट दे आर नॉट एग्री फॉर भारतीय जनता। तो आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर कांग्रेस के जो युवा है, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जो स्कैम हुआ है, जो धांधली हुई है, उसको बीज रोपा किसने? आप सोचिए, जो एनटीए संस्था है 2023 में आती है, 2023 में सरकार प्राइवेटेशन आपने किया, जब प्राइवेटेशन आपने किया तो उसकी सजा पूरे देश भुगत रही है। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।